प्रिय भक्त गणों, मैं गुरु मारुपनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। इस हफ्ते हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो मैं आपको अवश्य ही बताऊंगी। पहले आपको याद लगा दूं कि हम सभी ये आपके लिए वीडियोस जो लेकर के आते हैं ये हमारे शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से लेकर के आते हैं। शनि भगवान का बहुत विशेष आशीर्वाद है यहाँ शनिपीठ में। पूरी दुनिया से, कहने को तो एक छोटा सा मंदिर है लेकिन पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, अपना सर झुकाते हैं, भगवान को नमन करते हैं, अपनी मन्नतें ईश्वर के सामने रखते हैं और भगवान श्री शनिदेव उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को न मानते हुए बहुत से लोग पूरी दुनिया से, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो देशी हो, इस हमारे शनिपीठ मंदिर में आते हैं और भगवान की कृपा से अपने जीवन को सुधारते हैं। तो उन्हीं भगवान श्री शनिदेव को नमन करते हुए, उन्हीं भगवान श्री शनिदेव की कृपा आप सभी को प्राप्त हो ऐसी इच्छा करते हुए मैं आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आई हूँ। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ऐसी वो कौन सी सात चीजें हैं, सात वस्तुएं हैं जिनका दान करने से सात जन्मों तक दरिद्रता आपके यहाँ वास करती है? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना है। अगर आप जाने अनजाने में ऐसी कोई चीजें दान कर रहे हैं जो कि आपको सूट नहीं करता, दान नहीं करना चाहिए, तो आप अपने ही हाथों अपनी दरिद्रता को न्योता दे रहे हैं और ऐसी दरिद्रता जो एक नहीं, दो नहीं, सात जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये वीडियो मैं बता दूं उन्हीं लोगों के लिए है जो धर्म को मानते हैं, जिनको आस्था है अपने हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, वही लोग इस वीडियो को देखें। और इसका जो हम आपको कारण बताने जा रहे हैं और इसको क्या क्या आपको अपने जीवन में दान नहीं करना है वो बताने जा रहे हैं, उसका पालन अवश्य करें। अगर भूलवश आप ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत इसे रोक दें, क्योंकि ये स्थिति आपको बहुत ही नुकसान करेगी। हमारे इस ऋषि परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, यानी कि हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। 13 लाख से ज्यादा लोगों का एक ही परिवार है, तो इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप इसे सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाइए, घंटी का आइकन दबाइए, ताकि आप भी इस परिवार से जुड़ सके। हमारे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी के चैनल पेज पे जाना ना भूलें और हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए गुरु मारुकमणि या गुरु रजनीश ऋषि जी आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। गुरुत्व मूलम यदि आचरम च जातो ही कोयस्य पुनर्नाजन्म को वामृतो यस्य पुनर्नामृत्यु। लघुत्व यानी छोटा अगर हम महसूस करते हैं या अभी हम बढ़े नहीं पा रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो छोटेपन की जो जड़ है वो क्या है, कहां से ये छोटापन उत्पन्न होता है और कहां से बड़प्पन, बड़े होने की कला निकलती है? अगर हम जीवन में मांगते हैं, अगर जीवन के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो केवल मांगने का है कि हमें और चाहिए और चाहिए, हमें दूसरे से केवल चाहिए ही चाहिए, तो ऐसी स्थिति हमें छोटा बनाती है। हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते, छोटे ही रह जाते। अब आप कहेंगे गुरुमा हम क्या मांगते हैं, क्या नहीं मांगते हो? माता पिता से वात्सल्य मांगते हो, अपने जीवन साथी से जीवन भर का साथ सेवा मांगते हो, प्रेमी से प्रेम मांगते हो, ईश्वर से तो न जाने क्या क्या मांगते हो, दोस्तों से वफादारी मांगते हो, रिश्तेदारों से इज्जत मांगते हो, तो क्या नहीं मांग रहे? लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि मैं दूसरे को क्या दे रहा हूं? क्या मैं किसी को प्रेम दे रहा हूं? क्या मैं किसी को इज्जत दे रहा हूं? क्या मैं किसी को सेवा दे रहा हूं? क्या मैं किसी के साथ वफादार हूं? देने की इच्छा जिस दिन आपके अंदर होगी तो अपने आप ही आप बड़े बन जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। और जब तक जीवन में केवल इच्छा डिमांड की है, मांगने की है, तब तक छोटे ही बने रहोगे। तो छोटेपन की जड़ ही मांगना है। एक उदाहरण देती हूँ, मैंने सुना है कि एक साधु सन्यासी एक दिन किसी गांव में प्रवचन करने के लिए गए।
वहां से जा ही रहे थे कि एक भिखारी ने उनको पकड़ लिया और कहने लगे कि महात्मा मुझे ये बताओ, मैं इतना गरीब क्यों हूं, मैं क्यों इतना दरिद्र, क्यों इतना परेशान हूं, पहले मुझे ये बताओ इसका कारण क्या है, भगवान ने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया। महात्मा ने कहा कि भैया ऐसा है, जो तेरे पास है ना तो वो दे नहीं रहा, इसलिए तो गरीब है, इसलिए तो दरिद्र है। भिखारी को बात समझ में नहीं आई, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं किसी और को दे दूं, अरे मैं तो बिल्कुल कंगाल हूं, एक रुपया नहीं, खाना भी मुझे मांग के खाना पड़ता है, मैं किसी को क्या दे सकता। उस साधु संन्यासी ने कहा देने के लिए तो तेरे पास बहुत कुछ है, बस तू तो समझ नहीं पा रहा, तेरे पास कोई आता है या रास्ते में भी तू किसी से मिलता है, अगर तू उसको केवल मुस्कुराहट दे दे तो वैसे ही उसका दिन बन जाए, मुस्कुराने में तो कोई पैसा नहीं लगता ना, ये तो तू दे ही सकता है, इतना हट्टा कट्टा तेरे पास शरीर है इससे तू भीख मांग सकता है, लेकिन यदि इसी से तू किसी की भी जाकर के सेवा कर देगा, किसी को कुछ देगा, तो क्या वापसी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उस भिखारी को बात समझ में आई और उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, उसने भीख तो लगभग मांगने बंद ही कर दी, केवल खाना पीना ही मांगता था, और यदि रस्ते में कोई मिल जाए तो उससे राम राम कर लेता, उनको मुस्कुरा करके देखता, कहीं भी कोई आवश्यकता हो, जैसे एक दिन बैठा था कि रस्ते में से एक गाड़ी निकल रही थी, एक बैलगाड़ी थी, लेकिन उस बैलगाड़ी का जो पहिया था वो जमीन में फंस गया, ये उठा भाग करके उसने उस गाड़ी वाले की सहायता की, उसका पहिया बाहर निकलवाया और उसने प्रसन्न होके उसको धन दिया। अब तो जहां भी कोई काम होता तो ये सेवा के लिए पहुंच जाता और लोग भी इसको बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखने लगे कि बड़ा मदद करने वाला व्यक्ति है, बहुत दयालु है और उसे कुछ ना कुछ जरूर देते। धीरे धीरे उसको भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खाना भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, वो वैसे ही चर्चित हो गया, प्रसिद्ध हो गया लोगों की सहायता करने के लिए और लोग उसे कुछ ना कुछ पैसा दे ही देते। धीरे धीरे करके उसने अपना व्यापार भी खोल लिया और फिर उसे धन की कभी आवश्यकता नहीं। कहने का अर्थ केवल इतना है कि मांगते जो हम हैं, जो हमारे अंदर मांगने की इच्छा है, उस इच्छा के कारण ही हम छोटे बनते हैं, और यदि हम देने की इच्छा रखें, जो भी हमारे पास है, जितना हमारे पास है उससे देने की इच्छा रखें, तो अवश्य ही हम बड़े हो जाएंगे। बड़प्पन की जड़ यही है और छोटेपन की जड़ मांगना। और देखो, मांगने से जो मन में इच्छा आ जाए आ जाए आ जाए, इस मांग से मन में ग्रीड यानी कि लालच भी उत्पन्न होता है और उस लालच के कारण भी हम बड़े ही परेशान होते हैं। जो दरिद्रता पाले बैठे हो, जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं जीवन में धन को लेके, वो कैसे दूर होंगी, चलो अब उस पर चर्चा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, आपने अपनी राशि के अनुसार क्या दान नहीं करना। जी हाँ, फिर से कह रही हूँ, इन चीजों का दान करने से, जो सात चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ, इन चीजों का दान करने से आपने परहेज करना है, क्योंकि इनको दान करने से आप अपने शुभ फलों को, अपने अच्छे ग्रहों के शुभ फलों को ही दान कर देते हैं, दूसरों को दे देते हैं, और ना तो दान करना है और ना किसी से इन चीजों का दान भी लेना है, ना तो गिफ्ट करना है ना इन चीजों का गिफ्ट लेना है। कौन सी है वो चीजें, आइए समझते हैं। अब बात करते हैं हम सिंह राशि। अगर आपकी राशि सिंह है यानी कि वियोग है, ऐसी स्थिति में और आपकी जन्म कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली के अंदर सिंह यानी कि जो सूर्य है, आपकी राशि का स्वामी जो सूर्य है, वो अगर एक नंबर में बैठा है उच्च का होकर के, तो आप बिल्कुल भी उसका किसी भी वस्तु का दान ना करें, और अगर अपने घर में बैठा है यानी कि पांच नंबर में बैठा है तो भी आप इन चीजों का दान ना करें। लेकिन अगर आप इस स्थिति में इन सात चीजों का दान करते हैं या ऐसी चीजों का दान लेते हैं या गिफ्ट देते हैं या गिफ्ट देते हैं, तो ये आपको नुकसान करता है, आपके शुभ ग्रहों का जो फल है उसका नाश करेगा और दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आपकी राशि सिंह है तो आपने गेहूं या उससे बनी हुई कोई भी चीज, हलवा मिठाई, इन सब चीजों से परहेज करना है, इनका दान ना लेना है ना देना है।
लाल रंग की, गहरे लाल रंग की, मरून कलर की जो चीजें होती हैं, ऐसी चीजों को भी देने या लेने से आप बचें। जो तांबा होता है, तांबे से बने हुए बर्तन, तांबे से बनी हुई चीजें, इनको भी आप दान ना करें, ना ही किसी से गिफ्ट लें, इस चीज का ना दान। गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई या स्वयं गुड़ भी उसका दान ना करें, उसका दान दें। मरून रंग का यानी कि गहरे लाल रंग का जो कपड़ा है, इस प्रकार के कपड़े किसी को भी ना दें। जो रूबी होती है, जो माणिक्य जिसे कहते हैं, उसका भी दान आपको नहीं पलता है, इसका दान भी आप ना करें। किसी को उससे मिलते जुलते लाल रंग की, गहरे लाल रंग के भी कोई स्टोन है, उसे भी आप ना दें। और गुलाब का जो फूल होता है, ये भी आप ना दें, ये भी आपको सूट नहीं करता। इन सात चीजों का आप अवश्य ही ख्याल रखें, ये सात चीजों का परहेज करें, ना किसी को गिफ्ट दें, ना किसी का गिफ्ट लें, ना किसी को दान करें, ना किसी का दान लें, तो जीवन में अगर कोई समस्या इसके कारण उत्पन्न हो रही है तो वो अवश्य ही दूर होगी। मैंने सुना है एक लड़का स्कूल में जाता था, एक दिन उसके टीचर ने उसको लालच के ऊपर कुछ बताने को कहा। उसने टीचर से क्षमा मांगी और कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता लालच क्या है। टीचर ने समझाने की कोशिश करी लेकिन उसको तब भी समझ ना आया। तो टीचर ने कहा, अच्छा चल एक काम करना, तो कल जाकर के हमारे स्कूल के पास एक चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री है, तो वहां चले जा और वहां जाकर के तुझे एक चॉकलेट वहां से उठाने की परमिशन होगी। तुझे कोई सी भी बड़े से बड़ी, महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी जो चॉकलेट उठानी है तो उठा लेना। और कैसे करेगा, तो एक दरवाजे से जाएगा, वहां तुझे चॉकलेट दिखेंगी, तुझे जो सबसे अच्छी लगे वो उठा लेना, लेकिन फिर मुड़ करके पीछे मत देखना। और आखिरी दरवाजे तक तुझे चॉकलेट दिखती रहेंगी, लेकिन शर्त यही है कि केवल एक तूने उठानी। बच्चा बहुत प्रसन्न हो गया, अगले दिन दौड़ करके चॉकलेट फैक्ट्री गया। वहां जाकर के उसने दरवाजे से प्रवेश किया तो एक बहुत बड़ी सी, बहुत अच्छी सी, महंगी सी चॉकलेट वहां पड़ी हुई थी, जिसे देख करके बच्चे का दिल प्रसन्न हो गया। वो उस चॉकलेट को तुरंत उठा के अपने पास रखना चाहता था। वो वहां खड़ा हो गया, चॉकलेट को देखते रहा कि मुझे पसंद है, मुझे तो यही चाहिए। फिर अचानक से उसे लगा कि और आगे बढ़ के देखता हूं, इससे अच्छी चॉकलेट भी तो हो सकती है। वो और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि अच्छी चॉकलेट अभी भी है, लेकिन जो पहले देखी थी उससे थोड़ी कम अच्छी है, थोड़ी कम बड़ी है, थोड़ी छोटी चॉकलेट है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर उसने देखा, रुका, फिर अच्छी चॉकलेट देखी, लेकिन पहले, सबसे पहले जो देखी थी उससे कम। लेकिन उसके मन में यही था कि इससे अच्छी मिल जाएगी, इससे अच्छी मिल जाएगी। और वो बाहर चलता गया, चलता गया, चलता गया, अंत में बहुत छोटी सी केवल वो टॉफी बची थी चॉकलेट की, वही उसको प्राप्त हुई। तो लालच ऐसा ही होता है कि हम जब भी किसी दिशा में बढ़ते हैं तो मन कहता है शायद इससे भी बड़ा कुछ हो जाए, इससे भी ज्यादा कुछ हो जाए, लेकिन वास्तव में जब जो मिल जाए उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं जीवन आगे आपको ऐसी सौगातें प्रदान करे। तो इसलिए ये जो मांगने की इच्छा है, ये हमेशा लालच उत्पन्न करती है, और ये लालच कभी भी किसी के काम नहीं आती। कुछ करना है, गुरु माँ की बात समझनी है, गुरु माँ के बताए हुए मार्ग पर चलना है, तो कुछ करो तो दूसरों को देना शुरू करो। सोचो मैं क्या दे सकता हूं, थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं दान ही करना है, क्योंकि बात हम आज दान की करने जा रहे हैं, और वो भी बताने जा रहे हूं कि दान क्या ना करें। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि गुरु माँ कहती दान करो ही मत, चलो जी पीछा छूटा, ऐसा भी नहीं है। दान करना है, लेकिन क्या दान करना है, क्या दे सकते हो तो तुम सोचो। और मेरे हिसाब से तो श्रम दान सबसे श्रेष्ठ होता है, सेवा का दान सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप सेवा देना चाहते हो, किसी को सहायता करना चाहते हो, वो सबसे बड़ा दान है। पैसा देना बहुत आसान होता है, पैसे देने कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन किसी की सेवा करना, किसी को श्रम दान देना, किसी की सहायता करना, ये सबसे मुश्किल काम है। तो अगर ये भी कर सको तो बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए देना सीखो आज से, सोचो मैं क्या दे सकता हूं, और देखो जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। आधे से ज्यादा दुख तो वैसे ही दूर हो जाएंगे।
लेकिन इसके अतिरिक्त आपको लगता है कि आपकी समस्याएं बहुत जटिल होती जा रही हैं, मार्ग नहीं निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। हमारे यहाँ के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप तुरंत ही अपना फोन उठाइए और उनमें से किसी भी नंबर पर हमें संपर्क करिए और हमारे यहाँ कॉल करके हमसे एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। इन नंबर्स के माध्यम से आप मुझसे, हमारे गुरु रजनीश ऋषि जी से या स्वामी राज ऋषि जी से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप की वीडियो कॉल पे बात करने का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इस अपॉइंटमेंट को लेने के लिए एक बहुत छोटी सी फीस ली जाती है जो कि हमारे शनि मंदिर के संचालन के काम आती है, जो धार्मिक और सामाजिक कार्य हम लोग करते हैं उसमें कार्य में आती है, और जो हम लंगर सेवा करते हैं, प्रसाद सेवा करते हैं हर मंगलवार को या हर शनिवार को, ये इसमें कार्य में आती है, और समय समय पर जो अन्नदान करते हैं उसके लिए कार्य आती है, और जो गरीब लड़कियों को मैं फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देती हूँ उसके लिए प्रयोग की जाती है, और उनको स्कॉलरशिप भी हर महीने देने में ये प्रयोग होती है। तो आप इन सभी सेवाओं में अपना सहयोग दें और अपनी जन्म कुंडली आप दिखा सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आज आपको अच्छी लगी, मेरा बनाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इसे लाइक जरूर कर देना, कमेंट में जय शनिदेव लिखना मत भूलना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद देती हूँ। भगवान श्री शनिदेव एवं समस्त नवग्रह देवता आप सभी पर अपना कृपा दृष्टि बरसाएं, कोई भी समस्या हो उसमें आपकी सहायता करते रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनि। My name is Mohammad. I coming from Dubai. I have too much financial and mentally tension. हम इधर स्वामी जी का पास आया, स्वामी जी हमको रिंग वेयर करने का बताया, रिंग वेयर किया, हमको सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमको थोड़ा प्रॉपर्टी सेल करने का था, ये भी इधर आया, ये रिंग वेयर किया, ये भी सेल हो गया। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम होएगा, इधर शनि मंदिर में आओ, गुरु जी को मिलो, आपका सभी प्रॉब्लम इधर से ठीक हो जाएगा, 100% आपको वादा करता। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।